जो श्री बीपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा विकास को लेकर? देखिए, आज जो बीपी मेमोरियल करके जो यहाँ से उद्घाटन हुआ जी, सबसे पहले तो इसके आपको डायरेक्टर को मैं शुभकामना देता हूँ, और हम लोग के बहुत ही करीबी रहे हैं डॉक्टर साहब संतोष जी और डॉक्टर रूबी जी, और उनकी जो अच्छी पहल है उसके लिए हम लोग शुभकामना भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेतिया में सबसे बड़ा ऐसा संस्थान नहीं था, सरकारी तो है लेकिन प्राइवेट स्तर पर नहीं था, और इसके होने से, और दूसरा एक बात हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा हमको जो नज़र में आ रही है कि यहाँ पर थ्योरी लोग करेगा, बच्चे जो स्टूडेंट होंगे करेंगे GNM ANM और BSc नर्सिंग में, और सबसे बड़ा है कि प्रैक्टिकल जो है इनका अपना हॉस्पिटल भी है और GNCH भी है, तो वहाँ पर लोगों बच्चों को जो है सुविधा सबसे अच्छा होगा, उसको तैयारी जो मतलब थ्योरी किया उसको प्रैक्टिकल करने में सुविधा हो, और बहुत सारे लोगों को दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत जो पलायन जो पहले होता था वह घर के पास लोग अपने को अच्छे कोर्स का कर सकेंगे, इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं। बेतिया के इस क्षेत्र में जो आज बीपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है? ये जो बीपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज खुला है, ये गंगा फाउंडेशन के अंतर्गत खुला है, और गंगा फाउंडेशन इस जिला में पहले से ही बहुत सारी स्वास्थ्य शिक्षा और जन कल्याण के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो गंगा बीपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, इसकी खासियत ये है कि पहले इसका कैंपस बहुत बड़ा है, हरा भरा है, और सारे जो भी मानक हैं उनको पूरा करता है, और इसके बाद जो है ये जो इसकी जो विशेष सुविधा है, जैसे कि सांसद साहब ने बताया, इसकी विशेष सुविधा ये है कि इस संस्था से दो चार हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, प्राइवेट वाले और सरकारी के भी, तो जो भी बच्चे जो यहाँ ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए बस की सुविधा है, जिससे वो फिर प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाके वहाँ उनका पूरा पेशेंट अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, और इस तरह जो उनको जो ज्ञान होगा वो मतलब बिहार में सबसे अच्छा होगा, आपका सबका इंडिया लेवल पर भी हम लोग भविष्य में पहुँचेंगे। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उनको इंग्लिश का अलग से क्लास कराया जाएगा, प्लस जो विदेश जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी अभी से कराई जाएगी, ताकि जो बच्चे निकले वो देश विदेश कहीं भी जाके नौकरी कर सकें और मरीजों का सेवा कर सकें। सर, जो फी को लेकर चारों तरफ है कि फी बहुत ज़्यादा रहने से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपके यहाँ क्या प्रावधान है फी को लेकर? देखिए, फी जो है जो बिहार का जो फी है उसी के हिसाब से है, उससे भी अच्छा चीज़ है कि सबको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, 4 लाख रुपया लोन जो मिलता है, क्योंकि बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसलिए चीज़ों में क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, तो गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है, मैं ट्रस्टी हूँ।